हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्निकल ट्यूनर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे IFB वॉशिंग मशीन के न्यू मॉडल एग्जीक्यूटिव ZXM के प्रोग्राम्स, फीचर्स और अपडेट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जानते हैं इसके बारे में। सर कुछ बताइए इसके फीचर्स, क्या न्यू अपडेट है इसमें। ओके, अभी तक IFB फ्रंट लोडिंग में, जैसे आपको पता है कि एक पायनियर ब्रांड है, तो उसने मार्केट में डिमांड को देखते हुए एक ऐसा मॉडल लॉन्च किया है जिसमें आप वॉश कपड़े वॉश तो करेगा ही, उसके साथ साथ आपको 100% ड्राई करके भी देगा। मतलब इंक्लूडिंग इनबिल्ट इसमें वो है, ड्रायर है, जिसमें आपको 8.5 kg तक का वॉशर मिल जाता है, 6.5 kg का आपको ड्रायर मिल जाता है और 2.5 kg का आपको रिफ्रेशर मिल जाता है। तो एक तो ये IFB का लेटेस्ट मॉडल है, और दूसरा इस मॉडल की सबसे खास बात ये है कि ये वाईफाई नेबल्ड है। आप इसको कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हो। लाइक हर तरह के प्रोग्राम है, हर तरह के कपड़े के अकॉर्डिंग प्रोग्राम है, जिसमें आप इंक्लूडिंग कपड़े अपने वॉश होने के साथ साथ इकट्ठा ड्राई भी कर सकते हो, अकेला ड्राई भी कर सकते हो, और हर तरह के प्रोग्राम है। जैसे एक्सप्रेस 15 है इसमें। एक्सप्रेस 15 का क्या मतलब होता है, एक सेकंड में आपको लाइव दिखाता हूँ। ये इसकी प्रोग्राम सिलेक्टर 9 है। इसको आप रोटेट करोगे तो हर प्रोग्राम का टाइमिंग, उसकी बेड कैपेसिटी, टेम्परेचर और RPM बताएगा, जिसको आप मैनुअली चेंज कर सकते हो। लाइक इसका टाइमिंग तो चेंज नहीं होगी, लेकिन इसका टेम्परेचर आप चेंज कर सकते हो, 30-40 या फिर कोल्ड वाटर रख सकते हो, और RPM भी अपनी मर्जी से आप इसका चेंज कर सकते हो, अप टू 1200 RPM तक आपके पास ऑप्शन है। इसमें क्या मतलब होता है कि ये आप 2.5 kg तक के कपड़े 15 मिनट में आपको ये धोके दे देगी, ठीक है जी। उसके बाद आता है मिक्स डेली। मिक्स डेली में आपने देखा होगा इसका टाइम बदल गया, वेट कैपेसिटी बदल गई, 3.5 kg तक के कपड़े आप 1 घंटा 12 मिनट में धो लोगे, और वो जो इसका बाय डिफॉल्ट RPM सेट है वो 1000 RPM सेट है, जिसको आप चेंज करके कम भी कर सकते हो, लेकिन 1000 से ऊपर नहीं जाएगा। आप 1000 से ऊपर जाने की कोशिश करोगे तो ये फिर से जीरो नॉर्मल पे आ जाएगा, ये 400, 600, 800 एंड 1000। उसके बाद बात करें हम मिक्स डेली में, हम अपने रेगुलर रूटीन में यूज होने वाले हर तरह के कपड़ों को, जैसे जिसे हम मिक्स लोड बोलते हैं, वैसे वॉश कपड़े वॉश कर सकते हो। उसके बाद आता है कॉटन। कॉटन में आप 8.5 kg तक के कपड़े धो सकते हैं, और उसका टाइमिंग रहेगा 2 घंटे 43 मिनट। टेम्परेचर रहेगा 40 डिग्री और RPM रहेंगे मैक्सिमम 1400, जिसको आप चेंज कर सकते हो, टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हो अप टू 95 डिग्री। अगर आपने ठंडे पानी में वॉश करने तो ठंडे पानी में, अदरवाइज 95 डिग्री तक का ऑप्शन है, तो बाय डिफॉल्ट 40 डिग्री रहता है इसमें। कॉटन में आप कॉटन के कपड़े इजीली वॉश कर सकते हो बिना किसी एक्स्ट्रा डैमेज के। उसके बाद सिंथेटिक आता है, तो इसमें आप 3.5 kg के कपड़े 2 घंटे में 1 घंटा 56 मिनट में धो सकते हो। उसका टेम्परेचर आपके सामने 40 डिग्री शो हो रहा है और 800 RPM है। इसका आप सभी चेंज कर सकते हो। उसके बाद बात करें एंटी एलर्जन की। एंटी एलर्जन में आते हैं हमारे, जैसे मान लीजिए घर में कोई मरीज आया, कोई टावल वगैरह आया जो हम वॉश करना चाहते हैं, तो उसमें आप 2 घंटे 11 मिनट में 3 किलो तक के कपड़े वॉश कर सकते हैं। इसमें भी टेम्परेचर 60 डिग्री रहेगा, 1000 RPM रहेगा। फिर बेबी बियर आते हैं। तो बेबी बियर क्या रहता है कि 3 kg तक के कपड़े आप इसमें 60 डिग्री टेम्परेचर पे 800 RPM पे वॉश कर सकते हैं, ठीक है जी। बल्की हो गए, जैसे आपकी कर्टन्स वगैरह हो गए, या फिर पिलो कवर हो गए, हल्के AC ब्लैंकेट हो गए, वो ऐसे कपड़े आप इजीली वॉश कर सकते हो, ठीक है जी। और उसके बाद बात करें वूल की। वुलन कपड़े आप 2 kg तक के वुलन कपड़े धो सकते हो, उसमें 30 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, 800 RPM रहेगा और 40 मिनट्स टाइमिंग रहेगी। कंप्लीट साइकिल की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद बात करें क्रेडल वॉश की, तो ये IFB का पेटेंटेड वो है प्रोग्राम है, जो सिर्फ IFB में मिलता है। इसमें क्या, इसका क्या बेनिफिट रहता है, ये लोअर RPM पे आपके कपड़े को क्रेडल करता है। लाइक जैसे छोटे बच्चों को हम झूला झुलाते हैं सेम वे में, उससे क्या होता है कि कपड़ा डैमेज नहीं होता। और इसमें आप वैसे कपड़े वॉश कर सकते हैं जो ज़्यादा महंगे, जिनको आप हैंड वॉश प्रेफर करते हैं या ड्राई क्लीन करवाना पसंद करते हैं। इसमें टाइमिंग कैपेसिटी रहेगी 2 kg तक की, 37 मिनट्स का टाइम रहेगा और 30 डिग्री टेम्परेचर, 400 RPM लोअर RPM पे वॉश करेगा, और मैक्सिमम यही होगा मे बी 600 RPM तक है, ठीक है जी। उसके बाद आता है पावर स्टीम। पावर स्टीम ये बहुत ही यूजफुल प्रोग्राम है, स्पेशली उन कपड़ों के लिए जो लाइक जैसे टावल वगैरह हो गए, या फिर जैसे ज़्यादा गंदे कपड़े हो गए, उनको क्या होता है कि पावर स्टीम की हेल्प से आप उनको कपड़ों को वॉश भी कर सकते हैं, सुखाया भी सकते हैं, और मेन चीज़ है कि उसमें से जर्म्स बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। स्टीम, क्योंकि आपको भी पता है 100 डिग्री अब जाके स्टीम बनती है, और इतने टेम्परेचर पे कोई भी जर्म्स बैक्टीरिया नहीं बचता। उसके बाद रिफ्रेश। रिफ्रेश का क्या मतलब रहता है कि अभी जैसे समर्स चल रही हैं, तो समर्स में कपड़े गंदे नहीं होते, लेकिन पसीने की बदबू आना शुरू हो जाती है,
तो वैसे कपड़े इसमें 1 kg कैपेसिटी तक के कपड़े या आधे घंटे का टाइम लगेगा, और इसमें RPM नहीं होगा, ना इसमें टेम्परेचर होगा, क्योंकि ये स्टीम से उन कपड़ों को, ये मशीन उन कपड़ों के ऊपर स्टीम वो करेगी, स्प्रे करेगी स्टीम से, वो कपड़ों में के अंदर से जर्म्स बैक्टीरिया खत्म करके, जो स्मेल है वो खत्म करके अपने कपड़ों को रिंकल फ्री बना के आपको दे देगी। उसके बाद आता है स्टीम एंड ड्राई, ये आपके कपड़े स्टीम के साथ रिफ्रेश भी करेगी और ड्राई भी करेगी। इसका मैक्सिमम टाइम लोड रहेगा 6.5 kg, जिसमें मैंने जैसे आपको बताया कि 6.5 kg का ड्रायर है, तो 6.5 kg के कपड़े आप 3 घंटे 55 मिनट में धोने के साथ साथ सुखा भी सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद करते हैं वॉश प्लस ड्राई। अभी आप चाहते हो कि मैं जो कपड़े वॉश करूं वो साथ के साथ ही ड्राई हो जाए, मेरे को दोबारा से खोल के कपड़े एक्स्ट्रा ऐड ना करने पड़े ड्राई करने के लिए, तो उसके लिए अलग से प्रोग्राम दे रखा है वॉश प्लस ड्राई। ये 4 घंटे का प्रोग्राम है, 6.5 kg तक के कपड़े हैं, क्योंकि इसके ड्रायर की कैपेसिटी 6.5 kg है, तो आपको इसमें 6.5 kg ही कपड़े रखने पड़ेंगे। उसके अकॉर्डिंग वो उतने कपड़े आपको सुखा के दे देगा, 1200 RPM पे वॉश करेगा। टेम्परेचर इसका आप चेंज कर सकते हो, 30 मैक्सिमम 40 डिग्री टेम्परेचर है। उसके बाद वॉश प्लस ड्राई, इसमें 2.5 kg के कपड़े 2 घंटे में आपके वॉश करके दे देगी और ड्राई करके दे देगी। तो ये सब तो ये रहे इसके नॉर्मल प्रोग्राम, और ये मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि वाईफाई इनेबल्ड वॉशिंग मशीन है, तो इसको आप अपने फ़ोन से भी कंट्रोल कर सकते हो। इसकी एक ऐप आती है माई ऐप भी, ठीक है, आप उसको इंस्टॉल कीजिए और ये प्रोडक्ट रजिस्टर कीजिए। उसके बाद इस प्रोडक्ट को आप दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है जी। और उसके लिए आपको ये, अगर ये जैसे वाईफाई का आपको यहाँ पे एक सिंबल शो हो रहा होगा, जब तक ये स्टैटिक है, लाइक बिना हिले रह रहा है, इसका मतलब ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। इसको आपको 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है, फिर ये ब्लिंक करना शुरू कर देगा। जब ब्लिंक करना शुरू कर देगा तो आप इसको ऐप से ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है फेवरेट प्रोग्राम। अभी आप इसमें बाकी हर तरह के प्रोग्राम है, उसकी हर एक चीज़ में ऑटोमेटिक प्री सेट हो रखी हुई है, उसका टेम्परेचर सेट हो रखा है, उसकी वेट कैपेसिटी सेट हो रखी है, उसके RPM सेट हो रखे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी का एक प्रोग्राम बनाएं, उसको आप फेवरेट में कोई भी अपना इसमें टाइम टेम्परेचर सेट करके उसको फेवरेट में ऐड कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम आप जब भी चाहेंगे तो वो प्रोग्राम यूज़ करके आप अपने कपड़े वॉश कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रिंसिंग का, हॉट रिंस का क्या मतलब होता है कि गर्म पानी में रिंस का पहले मतलब समझिए, रिंस का मतलब होता है कपड़ों को खंगालना, मतलब डिटर्जेंट को कपड़ों में से निकालना। वो पानी की हेल्प से निकाल सकते हैं, दो तरीके के पानी से, गर्म या ठंडा। इसमें एक तो सिंपल रिंस का ऑप्शन है, एक हॉट रिंस का ऑप्शन है। अगर आप गर्म पानी में से निकालना चाहते हो तो वह गर्म पानी से निकालेगा, अदरवाइज नॉर्मल पानी से निकालेगा। उसके बाद बात करें टब क्लीन की, तो हम जब कभी भी मशीन यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के बाद आपने देखा होगा पानी रह जाता है, थोड़ा बहुत रेसिड्यू रह जाता है, तो वो सबको ख़त्म करने के लिए आप टब क्लीन का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसेंशियल्स में ऑप्शन में जाके आप अपना इसेंशियल चूज़ कर सकते हैं, और इसके लिए डिटर्जेंट डिस्पेंसर ट्रे है। इसमें आपको अलग अलग चैम्बर दिखाई देंगे, सॉफ्टनर के लिए ये रहेगा, रिफ्रेश साइकिल के लिए, मतलब अगर मान लीजिए जैसे आपने कपड़ा रिफ्रेश करना है, मैंने आपको बताया कि स्टीम से रिफ्रेश कर सकते हैं, तो इसके लिए एक अलग से लिक्विड आता है सेंसोरा नाम का। सेंसोरा में अलग अलग फ्रेगनेंस होती हैं, तो वो उसका क्या बेनिफिट रहेगा, एक तो आपका कपड़े में से जर्म्स बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा, स्मेल खत्म हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि एक प्लेजेंट खुशबू आए उन कपड़ों में से जिनको आपने रिफ्रेश किया है, तो उसके लिए सेंसोरा यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पर डाल के, ठीक है जी। डिटर्जेंट अगर लिक्विड है तो आप इस तरफ डालना है, और अगर पाउडर है तो भी इधर में डालना है, लेकिन उसके लिए आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपने लिखा यहाँ पे लिखा हुआ है पोजीशन फॉर लिक्विड डिटर्जेंट, ठीक है। इसको आप मान लीजिए यहाँ तक फिल कर दिया, ठीक है। एक प्री वॉश होता है, एक मेन वॉश होता है, ठीक है। प्री वॉश के लिए आप इधर फिल करके डाल सकते हैं, और मेन वॉश के लिए इधर। जब मेन प्री वॉश होगा तो ये यहाँ से यूज़ करेगा, उसके बाद ये हटा के आप इसको मेन वॉश में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर रिफ्रेशनर का पड़ेगा ना? जी जी, क्या बोला था आपने? सेंसोरा। जी, ये क्या सॉफ्टनर के लिए, जैसे इजी हो गया अपना को कंडीशनर यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए। फ्रंट लोड में जो जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन हम करते हैं यूज़, जी वो भी कर सकते हैं पाउडर हम यूज़? आप कंप्लीट वे में तो नहीं यूज़ कर सकते, जैसे आप चाहते हैं कि अपनी मर्जी से वाटर लेवल सिलेक्ट हो। आप कुछ चीज़ें हैं जो आप सेट कर सकते हो, जैसे इसका आप पानी का टेम्परेचर सेट कर सकते हो, टाइम सेट कर सकते हो, इसके अलावा आप वो क्या बोलते हैं उसका नाम RPM सेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो कि कम्प्लीटली आप सेमी ऑटोमेटिक की तरह यूज़ करना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है।
इसकी मैक्सिमम आरपीएम कितनी है? सर इसकी मैक्सिमम आरपीएम है 1400, वो सिर्फ कॉटन पे ही आपको शो होगी। ठीक है, ठीक है जी। टब लाइट है इसमें? यस सर, टब लाइट भी है इसमें। ये देखिए इधर मेरे, ये टब लाइट है। और ये जो ये चीज़ देख रहे होंगे आप, ये 3D वॉश के लिए है। लाइक यहाँ से वाटर स्प्रे होगा कपड़ों के ऊपर ताकि प्रॉपरली सोक हो जाए और एक बेटर वॉश क्वालिटी के। इसकी एसेसरी क्या क्या मिलेंगी साथ में? सर इसकी एसेसरी मिलेगी आपको इंडोर इनलेट की पाइप मिलेगी, क्योंकि इसकी आउटलेट की पाइप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है पीछे में। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको ये रैट मैश मिलेगा और एक रीडिंग मैनुअल मिलेगा। इसका पावर कंजप्शन के बारे में बताओगे? सर पावर कंजप्शन डिपेंड करती है आपके प्रोग्राम पे। वैसे 5-star रेटिंग में है तो पावर कंजप्शन इतना ज़्यादा नहीं रहता इसका। आप देख सकते हैं ये 5-star रेटिंग में है, ठीक है। तो पावर कंजप्शन मेनली इसका उतना ज़्यादा नहीं लेता, लेकिन अगर आप मैक्सिमम टेम्परेचर पे मान लीजिए 2-3 घंटे के लिए चला रहे हो तो पावर इसकी जो कंजप्शन है वो डिफर करेगी नॉर्मली जो कंपनी बताती है उससे। और ये सर 9th floor वॉश क्या है जी? एक्चुअली ये एक तो पहली बात ये इन्वर्टर मॉडल है, ठीक है। उसके बाद IAB की सबसे पावरफुल मोटर इसमें लगी हुई है 550 वॉट की। उसका क्या बेनिफिट है और मेन चीज़ है 9th floor वॉश क्या होते हैं? 9 तरह के मोशंस होते हैं, टब मोशंस होते हैं 9 तरह के। जब आपके कपड़े वॉश करती है तो उसमें 9 तरह के मोशंस आते हैं, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये 9 तरह के मोशन है। पहले आपकी मशीन कपड़ों को रोल एंड मिक्स करेगी, फिर टंबल करेगी, फिर डीप क्लीन करेगी, सॉफ्ट सोप करेगी, जेंटल स्क्रब करेगी, स्वे करेगी, लूजन करेगी, सेपरेट करेगी, उसके बाद स्क्वीज आउट करेगी। ये सारे मोशंस मिलके बनते हैं 9th floor मोशन, जो IAB की सिर्फ इन्वर्टर मॉडल में ही आता है। और सर इसमें कलर यही है कि? सर इसमें 2 कलर ऑप्शन अवेलेबल है, एक तो आपको मिलता है सिल्वर और दूसरे नंबर पे ये आपके सामने डिस्प्ले में है, इसको मूंग का कलर देंगे। ठीक है जी। और सर इसकी वारंटी कितने साल की होती है? सर जैसे कि सभी IAB की वॉशिंग मशीन की वारंटी है, सेम वही इसकी वारंटी है। 4 साल की सुपर वारंटी मिलेगी आपको, उसमें हर एक पार्ट कवर होता है। उसके बाद 10 साल की स्पेयर पार्ट सपोर्ट मिलती है। उसका बेनिफिट ये रहता है कि आज आप मशीन खरीदते हो तो आने वाले 10 साल तक कंपनी आपको हर एक पार्ट इसका अवेलेबल करवाएगी, किसी एक पार्ट की वजह से आपको मशीन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं है? एक्स्ट्रा चार्जेस सर इसकी लाइक डेमो इंस्टॉलेशन कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्लस 2 सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और जो स्टैंड की जरूरत पड़ती है? स्टैंड की जरूरत तब पड़ती है अगर आपका मेनली सरफेस, जब हम घर में वॉश नॉर्मली जब भी हम घर पे अपना सरफेस बनवाते हैं कोई भी, तो वो एक स्लोप रखते हैं ताकि पानी का वो जो ड्रेनेज है प्रॉपरली हो सके। तो वो ड्रेनेज पानी के लिए तो ठीक है, लेकिन मशीन को डिसबैलेंस कर देता है। और जब 1400 RPM पे आपकी वॉशिंग मशीन वर्क करेगी या स्पिन करेगी, उस कंडीशन में आपकी मशीन अगर प्रॉपरली बैलेंस नहीं हुई तो वाइब्रेशन के साथ साथ साउंड करेगी, तो उस चीज़ से बचने के लिए स्टैंड कंपल्सरी हो जाता है। सर जो ये डोर है जी, इसमें पुल लिखा हुआ है, पुल करने से खुलता है ये जी जी। और जो दूसरे हैं जी, उसका डोर ऐसे वाला था। ये इस दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों में? सर एक्चुअली पहले आते थे नॉर्मल डोर ऐसे वाले, हाँ जी, जिनको आप पुल करके ओपन करते थे, अंदर से लॉक होता था, वो यहाँ से ओपन होता था। और अभी ये जो डोर है कंपनी की लेटेस्ट इन्वेंशन है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक डोर। इसका क्या मेन बेनिफिट रहता है कि जब आप फ्रंट लोड में वॉश करते हो कपड़े, तो मान लीजिए कई बार आप एक्स्ट्रा लोड ऐड करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए उसमें क्या प्रॉब्लम रहती थी कि आपको पॉज करके 90 सेकेंड वेट करना पड़ता था, फिर उसके बाद आपका डोर ओपन होता था, अदरवाइज वो लॉक रहता था। लेकिन इसमें क्या है, जैसे ही आप इसको पॉज करेंगे, पॉज करने के साथ साथ एकदम से ओपन कर सकते हैं। ओके जी, ये बेनिफिट है इसका। IFB के दूसरे मॉडल की तरह जो उसमें जो होता है लिखा होता है एक्वा एनर्जी, यस सर, वो इसमें मेंशन नहीं है, वो एक्वा एनर्जी है नहीं इसमें? यस सर, इसमें भी एक्वा एनर्जी है लेकिन इसमें मेंशन नहीं किया गया है, सामने दिखा नहीं रखा है। लेकिन आप जब इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको आप वो जो सर्विस इंजीनियर आता है तो उनसे पूछ सकते हैं, वो इसके अंदर इंस्टॉल रहता है। वो IAB ही देखती है सर अपने हर एक वॉशिंग मशीन में, ये तो फ्रंट लोड है ना, टॉप लोड में भी आपको वो एक्वा एनर्जी मिलेगा डिवाइस।
क्योंकि वाटर सॉफ्टनिंग की ज़रूरत हर जगह पड़ती है। मैक्सिमम प्लेसेस पे हार्ड वाटर की प्रॉब्लम आती है, और जिस प्लेस में हार्ड वाटर की प्रॉब्लम आएगी वहाँ पे हमारा एक्वानर्जी परफेक्टली काम करती है। सो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक में चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताएँ।